भरतपुर जिले की पंचायत समिति बयाना ग्राम पंचायत मिलकपुर के सरपंच निहाल सिंह मीणा व सरपंच प्रतिनिधि बहादुर सिंह मीणा ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि अब तक महानरेगा के अंतर्गत जो रास्ते खराब थे उनका सुदृढ़ीकरण करवा कर चालू करवाए और एसएफसी टीएफसी मद से विद्यालय की चार दीवारी में विद्यालय में इंटरलॉकिंग निर्माण करवाया गया। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में सरपंच निहाल सिंह मीणा व युवा नेता बहादुर सिंह मीणा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मिलकपुर, पंचायत समिति बयाना, जिला भरतपुर। मिलकपुर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी निहाल सिंह जी मीणा और उनके प्रतिनिधि बहादुर सिंह जी मीणा से करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी बहादुर सिंह जी। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने मिलकपुर ग्राम पंचायत की शिक्षा की। तो बहादुर सिंह जी, वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? अच्छा चल रहा है इस टाइम जी, हर साल अच्छा परसेंटेज देता है। जी जी, तो कहने का मतलब, कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ढालेगा। तो शिक्षा बराबर चल रही है? बराबर चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। सरपंच साहब, शिक्षा के साथ साथ बात करते हैं, अपने बच्चे खेलों में भी रुचि लेते हैं, खेल भावना में भी आगे बढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ पे व्यवस्था नहीं है खेल मैदान की, ग्राम पंचायत कोशिश कर रही है उसकी जगह दबी हुई उसको निकालने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, गरीब परिवार वंचित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसके लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे? हाँ, संभव प्रयास करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात बताए सरपंच साहब। बात करते हैं ग्राम पंचायत मिलकपुर की, ठीक है, यहाँ के चिकित्सालय की, हॉस्पिटल लोक स्वास्थ्य केंद्र की। तो वर्तमान में यहाँ के चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है? चिकित्सा है, पीएससी है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत वासियों को बराबर सेवाएं मिल रही है? हाँ, डॉक्टर बैठते हैं, नर्स बैठती है। चलो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे आजकल की युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य माना जाता है। वैसे तो युवा पीढ़ी है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो भविष्य से भटक रहे हैं, नशा प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा मुक्ति का संदेश देना चाहूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे स्वच्छता की, स्वस्थ भारत मिशन की, इसके तहत आप पंचायत वासियों को स्वच्छता पे क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता पे संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी ग्राम पंचायत में नालियों का निर्माण किया है। जी जी, और हर जगह गंदगी का वो बनाए हैं, कूड़ेदान, और साफ सफाई के लिए प्रेरित करना चाहूंगा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे नरेगा के तहत आपने क्या वर्किंग करवाई? नरेगा के अंदर खरंजा निर्माण करवाए हैं रस्तों में, का निर्माण कराया है, और जो भी रास्ते खराब हैं, अवरुद्ध हैं, उनको पुरस्तीकरण करा के चालू कराया है, और इसके लिए आगे प्रयास रहते हो? हाँ, प्रयास रहते। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे एसएफसी टीएफसी मत आता है, उसके तहत आपने पंचायत स्तर पे क्या करवाया? इसके अंदर हमने बरेठा स्कूल में बाउंड्री कराई है, उसमें लॉगिंग निर्माण कराया है। हाँ जी जी, और गाँव में भी कराया है, इसके लिए आप आगे भी प्रयास रहते हो? हाँ, आगे भी प्रयास। तो सरपंच साहब, बात करते हैं पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है, वन क्षेत्र में पैर पसार चुका है, और दो सालों से कोरोना परेशान भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो कोरोना की भी तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो आप पंचायत वासियों को कोरोना पे क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका वैक्सीन वो चल रहा है, कैंप लगता है अरवा जी, अभी लगा था, उसमें साथ थे हम और पूरी टीम थी, और सब घर जाके वैक्सीन टीकाकरण। कहने का मतलब है पूरी पंचायत वासियों को आपने भारत सरकार राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाया? हाँ सर। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आरपीडी न्यूज को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।